फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक की मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें हमें दिया हुआ है एबीसीआरएन एपी। तो एबीसी अगर एपी में है, एबीसीआरएन एपी, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। दूसरा दिया है आपको सेकंड कंडीशन bcd आर इन gp, विच इंप्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू bd। थर्ड कंडीशन है 1 बाय सी, 1 बाय डी, 1 बाय ई आर इन ap, दैट इज ट्वाइस ऑफ मिडिल, ट्वाइस ऑफ 1 बाय सी इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 बाय डी जो एपी की कंडीशन है, 1 बाय डी सॉरी ट्वाइस ऑफ मिडिल मीन्स ट्वाइस ऑफ 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ई। इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 2 अपॉन डी इज इक्वल टू एलसीएम ई प्लस सी अपॉन ई सी, विच इंप्लाइज डी बाई टू इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई प्लस सी, या फिर इससे डी का वैल्यू निकाल लें, ट्वाइस ई सी अपॉन ई प्लस सी, एंड लेट दिस बी नंबर 3, और मान ले कि इसको नंबर 3 है, इसको नंबर 1 करेंगे, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, नंबर 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी नंबर 2, एंड दिस नंबर 3। हमें प्रूव करना है, वी आर सपोज टू प्रूव ए सी ई आर इन जी पी, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई। तो ए ई और सी में एक ये रिलेशन है जिसमें बी और डी का कोई रोल नहीं है, तो यूजिंग 1, 2 and 3 वी आर सपोज टू एलिमिनेट बी एंड डी। बी और डी एलिमिनेट कर दे हम किसका यूज करके, 1 और 3 का यूज करके, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे। तो टू प्रूव दिस वी शैल पुटिंग वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम 1 and d from 3 in equation 2। अब equation 2 में अगर रखें तो देखिए क्या होगा हमारे पास, c square is equal to b, b का value है a plus c by 2, d का वैल्यू है ट्वाइस ई सी अपॉन ई प्लस सी। ये हमने सी b और d की जगह रखा, सपोज ये b और d की वैल्यूज है, b और d की जगह रख दी है, और वैल्यू किसके बराबर है, c स्क्वायर के बराबर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी implies values of BD and is equal to C square. 2, 2 cancel, CC cancel, implies अब cross multiply करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, E into A plus C, E into A plus C, तो E into A प्लस ई इंटू सी इज इक्वल टू
C into E plus C is equal to C into E plus C implies E into A is equal to plus E into C is equal to E into C plus C square. EC cancel. C square is equal to A into E bachega, which implies A C E R in GP. इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन है और आप प्रूव कर सकते हैं. देखिए बड़े आसानी से हमने इसे किया. इसका जो की पॉइंट है, की पॉइंट यही है कि D की वैल्यू और B की वैल्यूज इसमें ले जाके हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और B और D को एलिमिनेट करना है. अगर ये कर दिया आपने तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू E, दैट इज A C E R in GP. तो देखिए किसने आसानी से ये प्रूव किया जा सकता है. आप खुद इसे ट्राई करें, अपने दोस्तों को बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. विश यू ऑल द बेस्ट.